नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टोरी वाला रेडियो में। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। कौरव तो सभी युद्ध में मारे जा चुके थे। पांडव भी कुछ समय तक राज्य करके हिमालय पर चले गए। वहां पर एक एक करके सभी भाई गिर गए। अकेले युधिष्ठिर अपने एकमात्र साथी कुत्ते के साथ बचे रहे और वे स्वर्ग गए। कहते हैं कि युधिष्ठिर जीवित ही स्वर्ग में गए थे। वहां उन्होंने स्वर्ग और नरक दोनों को देखा। स्वर्ग में प्रवेश करते ही दुर्योधन दिखाई दिया। अपने भाइयों से भी उनका सामना हुआ। रास्ते में अन्य भाइयों को गिरते समय प्रश्न करने वाले भीम के मन में यहाँ भी जिज्ञासा उठी। पूछा, भैया दुष्ट दुर्योधन तो आजीवन अनीति का ही पक्ष लेता रहा। उसने अपने जीवन में कोई धर्म कार्य नहीं किया जिसके पुण्य से उसे स्वर्ग मिला हो। क्या ईश्वर के न्याय में भी पक्षपात है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, नहीं भीम, ईश्वरीय विधान के अनुसार प्रत्येक पुण्य का परिणाम चाहे वह किंचित ही क्यों ना हो स्वर्ग मिलता है। सभी बुराइयों के होते हुए भी दुर्योधन में एक सद्गुण था जिसके प्रसाद स्वरूप उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। भीम ने बड़ी ही उत्सुकता से दोबारा प्रश्न किया कि ऐसा क्या सद्गुण था उसके अंदर। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, वह अपने संस्कारों के कारण जीवन को सही दिशा भले ही न दे सका हो, परंतु उसका मार्ग अवश्य सही था। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तन्मयता पूर्वक जुटा रहा। ध्येय के प्रति एक निष्ठ रहना बहुत बड़ा सद्गुण है। इस सद्गुण के पुण्य के परिणाम स्वरूप कुछ समय के लिए उसे स्वर्ग में स्थान मिलना उचित था। दोस्तों, ये महाभारत से जुड़ी कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।